जापान 15 मिलियन साल पुरानी सिविलाइजेशन। नॉर्मल इंडियन इस कंट्री को लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के लिए जानता है और 6 अगस्त को वे 1945 के हिरोशिमा नाकासाकी एटॉम बम अटैक के लिए। क्या बस जापान इसी के लिए फेमस है? वी हैव टू थिंक। आज मैं आपको रियल जापान के बारे में बताऊंगा। यस, रियल जापान, जिससे मैं और आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसमें कुछ भी बुकिश इंटरनेट से लिया हुआ नहीं है। नो बुक्स, नो इंटरनेट, ओनली रियल एक्सपीरियंस। मैं अपने जापान एक्सपीरियंस को बताऊंगा। I work with Japan since 2011, but after visiting Japan, एक different experience था मेरे लिए। वहाँ का system, वहाँ का work system, security system, infrastructure, education system, work culture, किस तरीके से Japan as a country काम करता है वो एक example set करता है सबके लिए। सबसे पहले Japan पर land करते ही आपको पता चलेगा वहाँ pollution कितना कम है, वहाँ की population कितनी कम है। टोक्यो एयरपोर्ट का AQI मिनिमम 38, मैक्सिमम 53 है। इमिग्रेशन पर जाते ही आपको पता चलेगा कि यहाँ के लोग कितने हम्बल हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ऐसे ग्रीट करते हैं जैसे आप उस कंट्री के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जब एयरपोर्ट के बाहर ओला या उबर नहीं मिलेगी, यस, ओला उबर नहीं मिलेगी, बिलीव मी, यहाँ के लोग वॉक और साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। लोग ट्रैवल के लिए बस और ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। कभी कोई रेड लाइट जंप नहीं करता यहाँ पे, कभी कोई किसी कार को ओवरटेक नहीं करता। ट्रैफिक सेंस और कल्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप कार चला रहे हैं तो बाइक वाले आपको साइड दे देंगे, उनको देखते ही ब्रेक लगा देंगे, और बाइक वाले साइकिल वाले को देखते ही साइड देंगे, साइकिल वाले वॉक करने वाले को। ये जो चेन ऑफ रिस्पेक्ट है ट्रैफिक में, वो बहुत ही अमेजिंग है जापान में। जो जितने बड़े व्हीकल पर है वो उतना ही हम्बल है, और अगर आमने सामने से कार आ जाए तो पहले आप शुरू हो जाता है। एयर में डस्ट नहीं, रोड पर कूड़ा नहीं, लेट होना इनकी डिक्शनरी में नहीं, रोड पर गड्ढे नहीं, कंट्री में करप्शन नहीं। हाउ? ऑनेस्टी, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एथिक्स, दे फॉलो रूल्स एंड सिस्टम्स। अब सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों से कोई कैसे डेवलप हो सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक गार्डनर से लेकर पीएम तक डिसिप्लिन है। एक गार्डनर टाइम पर आएगा, अपना काम करेगा, चेकलिस्ट भरेगा और चला जाएगा। चेकलिस्ट भरना उसके रूल्स और सिस्टम को बताता है, काम को सही से करना ऑनेस्टी को बताता है, और ये सब पॉसिबल हो पाया ड्यू टू एथिक्स एंड डेडिकेशन। सो वहाँ सब लोग इसको फॉलो करते हैं। यूनिफॉर्म मस्ट, सीट बेल्ट मस्ट, ऑन टाइम मस्ट, कमिटमेंट ऑन टाइम मस्ट। सो ये सब किसी को देखते हुए नहीं करते, वो उनके अंदर से खुद से है। वहाँ के ओल्ड जनरेशन ने अपने वर्क एक्सपीरियंस से रूल्स बना दिए, अब उनको न्यू जनरेशन, जो यंगर जनरेशन है, वो फॉलो करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको अपग्रेड भी करते हैं, सिर्फ फॉलो नहीं करते। माउंट फूजी के लिए फेमस इस कंट्री में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं, फिर भी यहाँ लोग टिके हुए हैं। ओल्ड जापान के स्ट्रक्चर वुडन हुआ करते थे, इसलिए वो अर्थक्वेक से बच जाते थे, और अब स्टील स्ट्रक्चर हैं। सो सेम इंजीनियरिंग इन्होंने उस तरीके से यहाँ पे भी लगाई, बट इस बार मटेरियल चेंज कर दिया। हैट्स ऑफ टू जापान्स इंजीनियरिंग। टोक्यो स्काई ट्रीज का बेस्ट एग्जाम्पल है। इन्हें स्कूल से ही एथिक्स सिखा दिए जाते हैं, रूल्स फॉलो करना इनके ब्लड में है। स्कूल में खुद सफाई करना, बर्तन साफ करना, स्कूल साइकिल पे जाना, लेन फॉलो करना, सब कुछ बचपन से इनके डीएनए में डाल दिया जाता है, जैसे कि उनके ब्रेन में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाए। इन लोगों के लिए नेशन फर्स्ट। अगर आप किसी भी नेचुरल डिजास्टर में फंस जाएं या फिर वहाँ पे आ जाए तो यहाँ के लोग पैनिक नहीं करते, चीज़ें स्टॉक नहीं करते, प्लान करते हैं। यहाँ पे PDCA बहुत फेमस है, प्लान डू चेक एक्ट, तभी ये लोग बड़े बड़े झटकों के बाद भी उभर जाते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। लास्ट ईयर मेरे से एक मीटिंग करने के लिए जापानीज़ को आना था, बट वहाँ पे टाइफून आ गया। उस दौरान उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल किए, और जब री मीटिंग
का प्लान किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपनी प्रायोरिटी देखूंगा, मुझसे ज़्यादा अगर किसी की प्रायोरिटी हुई तो मैं उसको प्रेफरेंस दूंगा। तो यहाँ से पता चलता है इनके लिए नेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है, वहाँ की हायरार्की कितनी इम्पॉर्टेंट है। ही सेड आई विल चेक माई अर्जेंसी देन आई विल बुक माई फ्लाइट टिकट्स, मतलब समझो मैं टिकट छोड़ दूंगा अगर किसी और की अर्जेंसी मुझे ज़्यादा लगी तो। दैट्स कॉल्ड नेशन फर्स्ट। एथिक्स, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, ये पूरी कंट्री इसी पर चल रही है। नो करप्शन, नो थेफ्ट, नो फ्रॉड, ऐसा लगता है जैसे कि राम राज्य हो। यहाँ अगर आपको सामान छूट जाए, यहाँ अगर आपका सामान छूट भी जाए या आपको कुछ गुम हो जाए, वो आपको ज़रूर मिल जाएगा। 99.99% चांसेस हैं कि वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी शॉप है वहाँ पे आपको कोई पैसा देना भूल जाए तो समझ लीजिए आज नहीं तो कल जब भी वो नेक्स्ट टाइम वहाँ पे आएगा वो आपके पैसे वापस ज़रूर करेगा। सोचिए ज़रा, किसी शॉपिंग सेंटर या ग्रॉसरी स्टोर के बाहर कोई भी गार्ड नहीं है, नो गार्ड। ये कंट्री हमें बहुत कुछ सिखाती है और अगर कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में इसे ला पाए तो एक बेहतर कल और बेहतर भारत बना सकते हैं हम। हर इंडिविजुअल को कुछ सीखना चाहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।